नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद हाई सपोर्ट नीड्स की, और भैया डीएड स्पेशल एजुकेशन का आपका सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर, पेपर नंबर 12th। और इसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इसके पहले भैया यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सभी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दी गई हैं। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप देखिए या ना देखिए, लेकिन उन वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिएगा। 20-25 मिनट की आपकी वीडियो हैं, लेकिन उन वीडियोस से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर नहीं देखा है तो वो पाँच की पाँचों वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे उसका लिंक शेयर कर दिया गया है, उनको आप वहाँ से भी देख सकते हैं या भैया वीडियो लिस्ट में भी जा करके आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहेंगे भाई उच्च समर्थन आवश्यकता से आप क्या समझते हैं। हाई सपोर्ट नीड का मतलब होता है, कहेंगे कि किसी व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में ज़्यादा मदद और ज़्यादा सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जो गंभीर दिव्यांगता वाले होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत सहायता की ज़रूरत होती है, चाहे वो दैनिक गतिविधियों में हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, इनमें क्या कह सकते हैं हम, इनको हम हाई सपोर्ट नीड वाले बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। ये ज़रूरतें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हो सकती हैं। इसे पूरा करने के लिए अक्सर पेशेवर सहायता, सहायक उपकरण और व्यक्तिगत देखभाल उनको देते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, हाई सपोर्ट नीड कहलाता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और हो सकता है यहीं पर आपसे दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई जो मानसिक मंदित बच्चे हैं, इनमें जो IQ के आधार पर आप लोग बांटते हैं, जैसे कि माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, सीवियर और प्रोफाउंड, तो आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। ये ना समझिएगा कि इस पेपर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो नहीं आपके सिलेबस में है इस पेपर का, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको मिल जाए। बात करते हैं भाई बहुविषयक टीम की, तो मल्टी डिस्पेंसरी टीम में मैंने जब आपको बताया था कि ये टीम जो होगी वहाँ पर आपको विशेष शिक्षक मिलेंगे, वहाँ पर आपको स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका मनोवैज्ञानिक हुआ, माता पिता हुआ, और समाज के और भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हुए, तो ये सभी कौन आते हैं, बहुविषयक टीम के अंतर्गत आते हैं। जैसे विशेष शिक्षा या शिक्षक जो बच्चों की ज़रूरतों और विद्यार्थियों को शैक्षिक सहायता देना, सामान्य शिक्षक भी होगा यहाँ पर, यह सुनिश्चित करेगा विद्यार्थियों में सामान्य पाठ्यक्रम को कैसे समझाएं और शामिल करें। शिक्षा मनोवैज्ञानिक भी होगा यहाँ पर, शिक्षा कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा और मनोवैज्ञानिक समर्थन देगा। भाषा और भाषा चिकित्सक हो सकता है, जो स्पीच और लैंग्वेज जो थेरेपिस्ट हैं वो हो सकते हैं, विद्यार्थियों को विकास में सहायता देंगे। उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सा, ये चिकित्सक विद्यार्थियों को दैनिक जीवन की गतिविधियों में, स्कूल के वातावरण में स्वतंत्र बनाएंगे। और भैया शारीरिक चिकित्सक यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, ये चिकित्सक शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों के शारीरिक कौशल को क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। परिवार के सदस्य और अभिभावक यानी कि विद्यार्थियों के अभिभावक या परिवार के सदस्य भी टीम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि वे विद्यार्थियों के जीवन और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्कूल प्रशासक भी होता है, और भैया और जो भी सेवा प्रदाता होंगे, जैसे डॉक्टर या नर्स, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्या हैं, मिल कर के एक IP का निर्माण करते हैं, व्यक्तिगत शिक्षा योजना का निर्माण करते हैं, और बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बात करते हैं संचार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी और AAC व अन्य उपकरण। तो कहेंगे भाई संचार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑर्गमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, या कह सकते हैं ऑर्गमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग AAC के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है, संचार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी उन लोगों के लिए विशेष होती है जिन्हें बोलने या पारस्परिक संचार में क्या होती है, कठिनाई होती है, उनको बोलने में या संचार करने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए इसकी ज़रूरत होती है। ये क्या करते हैं, इसको प्रभावी ढंग से इसमें मदद करते हैं। ये आपका जो AAC होगा, इसमें मुख्य दो प्रकार देखने को मिलते हैं। आपका पहला जो निम्न तकनीकी होगी, निम्न तकनीकी में बच्चे के लिए विभिन्न चित्र, प्रतीक, इसका उपयोग, संवाद करना,
संकेत भाषा यानी कि हाथ उंगलियों और संकेतों के माध्यम से संवाद करना, और भैया संचार पुस्तकें कम्युनिकेशन बुक जिसमें चित्र प्रतीक शब्द ये सब होते हैं और इनका जो इशारा करके चीज़ों को संवाद किया जाता है। इसमें हम लोग अगर उच्च तकनीक की बात करें तो स्पीच जनरेशन डिवाइस यानी कि इलेक्ट्रिक उपकरण जो टेक्स्ट या चित्रों को आवाज़ में परिवर्तित करते हैं। टैबलेट और स्मार्टफोन ऐप्स जो संचार के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए जाते हैं, इसमें चित्र प्रतीक टेक्स्ट टू स्पीच सुविधाएँ आती हैं। अन्य संचार के लिए जैसे हम लोग टेक्स्ट टू स्पीच का प्रयोग करते थे, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन का भी प्रयोग करेंगे, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करेंगे जो बोलकर सुनने की सुविधा बच्चे को प्रदान करता हो। इसके बाद में आँख की निगरानी प्रणाली यानी कि आई ट्रैकिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे। ये सिस्टम जो है आँख की गतिविधियों को ट्रैकिंग करता है, ट्रैक करता है और स्क्रीन पर स्थित आइकन और शब्दों का चयन करने में मदद करता है। उन लोगों के लिए उपयोगी है जो हाथ का उपयोग नहीं कर सकते। इनके लिए क्या होता है, आँख की निगरानी प्रणाली होती है, आँख की ट्रैकिंग प्रणाली होती है। हम कह सकते हैं ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरण जिसमें टेक्स्ट को ब्रेल में परिवर्तित करना आसानी से बच्चे पढ़ सकेंगे। संचार सॉफ्टवेयर का उपयोग करके विशेष सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस पर स्थापित कर किया जाता हो और संचार में क्या हो सहायता करता हो, जैसे चित्र प्रतीक टेक्स्ट टू स्पीच ये सुविधाएँ। क्या होगा प्रौद्योगिकी का लाभ, टेक्नोलॉजी का क्या लाभ होगा, तो कहेंगे भाई स्वतंत्रता और आत्मविश्वास बढ़ाना। अधिक व्यक्ति अधिक स्वतंत्र होगा, अधिक आत्मविश्वास बेहतर होगा तो क्या करेगा, आवश्यकताओं और विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकेगा। सामाजिक संपर्क में सुधार यानी कि संचार उपकरणों की सहायता से व्यक्ति परिवार दोस्तों और समाज के अन्य सदस्यों के साथ में बेहतर संपर्क बना सकता है। और शिक्षा और रोजगार में सहायता यानी कि उन उपकरणों की मदद से व्यक्ति शिक्षा और रोजगार के अवसर जो है उनको बेहतर कर सकता है, भागीदारी दे सकता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। संचार की क्षमता में वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है क्योंकि भावनाओं आवश्यकताओं और इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। ये आपका क्या है, संचार प्रौद्योगिकी AAC उपकरणों का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जिन्हें संचार में कठिनाई होती है, और भैया ये उपकरण उन्हें स्वतंत्र आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं जिसमें वे समाज में अधिक समावेशी और प्रभावी ढंग से भाग लेते हैं। दस्तावेजीकरण क्या है, प्रगति की निर्धारण और मूल्यांकन क्या है, तो इस पर हम लोग बात करें। किसी भी परियोजना का कार्यक्रम अगर सफल बनाया जाएगा, समन्वय किया जाएगा, तो उसमें तीन प्रमुख जो चीज़ें होती हैं, पहला होता है आपका दस्तावेजीकरण। कहेंगे दस्तावेजीकरण का मतलब ये होता है किसी परियोजना या कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की लिखित रूप से जानकारी रखना। प्रारंभिक योजना क्या थी, कार्यान्वयन की रणनीति क्या है, संसाधनों का विवरण क्या होगा, महत्वपूर्ण निर्णय क्या होगा, ये चीज़ें जो हैं इसका क्या करना, कार्यान्वयन करना और लिखित रूप से इन चीज़ों को रखना कि सभी जानकारी संगठित और सुलभ हों, इससे भविष्य में समीक्षा और मूल्यांकन के लिए आधार तैयार हो सके और जो प्रतिक्रिया प्रदर्शन है इसको बेहतर किया जा सके, क्योंकि सभी बच्चों का रिकॉर्ड जो है कार्रवाई रिकॉर्ड यहाँ पर उपलब्ध होता है। इसमें प्रगति की निगरानी का उद्देश्य होगा भाई, प्रगति की निगरानी क्यों की जाएगी, प्रोग्राम की मॉनिटरिंग क्यों की जाएगी, तो कहेंगे कि परियोजना का कार्यक्रम योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है या नहीं। निगरानी इसलिए की जाती है कि जो भी योजना बनाई गई थी उसका कार्यक्रम वैसे ही बढ़ रहा है या नहीं। नियमित रूप से डाटा संग्रह किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और निगरानी के दौरान विभिन्न मानक और संकेतकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी, और अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो आखिरकार कारण क्या है। प्रगति की निगरानी और समस्याओं की पहचान जल्दी से की जाए कि उन्हें व्यक्ति सुलझाने में और उसको बेहतर करने में उसकी मदद मिल सके। वास्तविक समय में जानकारी को प्रदान करना और सूचित जो भी निर्णय है उसको लेना, इसके लिए आवश्यकता अनुसार समायोजित करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य होगा कि बच्चे को फीडबैक मिल सके। अगर कोई बच्चा कठिनाई दिखा रहा है कहीं पर भी या कहीं पर नहीं सीख पा रहा है तो उसका हम लोग मूल्यांकन कर सकें, और ये भैया एक प्रभावशाली योजना के तहत कार्य करती है जो मूल्यांकन में डेटा का गहन विश्लेषण, लाभार्थियों की फीडबैकिंग और जो भी उनके मानक है उनके अनुसार परियोजना की सफलता का मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। तो ये आपकी भविष्य के लिए बच्चे को तैयार करती है और बेहतर बनाती है। तो यहाँ पर आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कहता है सरकार द्वारा दिव्यांगों को प्रदान की जाने वाली कल्याणकारी योजना, ये आपका क्वेश्चन जो था वो पेपर में पूछा भी गया था। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले
सरकार भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगों को कई कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो दी जाती है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, जो उनमें सुधार हो सके। पहला आपका दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, यह क्या करता है, विकलांग व्यक्तियों के लिए समेकित शिक्षा यानी कि IEDSS को देता है। कहेंगे इस योजना का उद्देश्य होगा कि दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करना और उन्हें सेवाएँ प्रदान करना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम यानी कि NHFDC यानी कि यह जो होता है दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए ऋण जो होता है वो देता है, पैसे देता है रोजगार करने के लिए, जो ब्याज में पैसे होते हैं वो देता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो भी पुनर्वास प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान में सार्वजनिक स्थान परिवहन सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी ICT का जो भी दिव्यांगजनों के लिए सुलभता बनती हो, PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत भी दिव्यांगों को जो है विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और कौशल विकास योजनाएँ चलाई जाती हैं। दिव्यांगजन पेंशन योजना, इसमें भी सरकार क्या करती है, दिव्यांगों को मासिक पेंशन प्रदान करती है, इसमें वो आर्थिक सहायता बेहतर हो सके। और भैया दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट यानी कि यह क्या करता है, दिव्यांगों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों का संचालन करता है, जो कि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आत्मनिर्भरता के लिए क्या होता है, प्रशिक्षण के लिए तैयार करता है। और ये भैया क्या है, आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। और स्वावलंबन कार्ड योजना, इस योजना के तहत क्या किया जाए, दिव्यांगों को एक पहचान पत्र दिया जाता है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को क्या उठा सके, लाभ उठा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना यानी कि यह दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न सहायता उपकरण और प्रौद्योगिकी का जो वितरण है वो करती है, उसकी जीवन शैली को सुधार में लाती है। तो ये सभी योजनाएं जो हैं दिव्यांगों को भारत सरकार में देखने को मिलती है। परिवार संसाधन और परिवार के समर्थन का आकलन, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि परिवार के व्यक्ति ही क्या करते हैं, उच्च आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तियों और देख का आकलन करते हैं, देखभाल करते हैं और इसके लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सहायता मिलती है, आकलन किया जाएगा तो सबसे पहले परिवार के संसाधनों का जब आकलन किया जाएगा तो परिवार के पास क्या क्या चीज़ें हैं उनका हम लोग आकलन करेंगे, यानी कि सबसे पहले परिवार के पास हम रुपये पैसे की बात करेंगे कि भाई कितना परिवार के पास आय है, किस हिसाब से परिवार की इनकम है, किस हिसाब से उनके पास पैसा है, बजट कितना है, इसका आकलन। उसके बाद में शैक्षिक पृष्ठभूमि, परिवार के सदस्यों की शिक्षा क्या है, उनका ज्ञान स्तर क्या है, देखभाल में मदद कितनी हो सकती है, स्वास्थ्य में भलाई यानी कि परिवार के सदस्यों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भौतिक संसाधन यानी कि घर में उपस्थित सुविधाएं जैसे कि विशेष उपकरण, आवास की स्थिति और परिवहन। इसके बाद में परिवार समर्थन प्रणाली का आंकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ फैमिली सपोर्ट, इसमें क्या होगा, परिवार समर्थन प्रणाली का आंकलन करते समय पहलू जो होंगे निम्नलिखित पहलू देखे जाएंगे, कहेंगे कौन कौन से सामाजिक नेटवर्क यानी कि परिवार सामाजिक परिवार के सामाजिक संबंध कैसे हैं, नेटवर्क कैसा है, जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार, सामुदायिक सेवाएं, जैसे कि परिवार को कितनी सामुदायिक सेवाएं मिलती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवाएं और भाई ये सब चीज़ें, देखभाल में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन केयर, परिवार के सदस्य क्या करते हैं, देखभाल में भागीदारी शामिल कितना करते हैं, परिवार के सदस्य कितनी सहानुभूति दिखाते हैं, भावात्मक समर्थन का कितना है, ये सभी चीज़ें जो है जानकारी का उपयोग करके व्यापक और प्रभावकारी जो सहायता योजनाएं हैं वो बनाई जा सकती जो ना केवल व्यक्ति की बल्कि उसके परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इसके लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जो दोनों को लाभ दे सकेगा, परिवार संसाधनों को का समर्थन कर सकेगा और इसका भैया आकलन कर सकेगा, देखभाल की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं भैया उच्च समर्थन आवश्यकता का आकलन, जहाँ पर औपचारिक और अनौपचारिक आकलन की बात करते हैं हम लोग, तो कहते हैं उच्च समर्थन जो आवश्यकता वाले बच्चे होंगे उनका आकलन जब किया जाएगा तो जरूरी होगा कि भाई उनका हम औपचारिक आकलन करें और अनौपचारिक आकलन करें। तो औपचारिक आकलन में क्या क्या आता है, हम कहेंगे चिकित्सा का आकलन, व्यक्ति जो है चिकित्सा का आकलन अगर कराएगा, अगर जो कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है विस्तृत चिकित्सा का आकलन कराएगा तो चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी, फिजिकल डॉक्टर के द्वारा बनाई गई जो भी शारीरिक जांच, इसमें भैया विशेषज्ञ आकलन में आपका कह सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा विकलांगता के आकलन, प्रयोगशाला परीक्षण में कहेंगे रक्त परीक्षण हुआ, जेनेटिक टेस्ट हुआ, और हम कह सकते हैं आपका और भी जो प्रयोगशाला परीक्षण होते हैं, उपचारात्मक आकलन में आपका फिजियोथेरेपी का आकलन हुआ कि भाई बच्चे को क्या चाहिए, गतिशीलता कितनी चाहिए, मांसपेशियों में तनाव कितना है, इन सभी चीज़ों का आकलन,
ऑक्यूपेशनल थेरेपी का आकलन दैनिक जीवन के कार्यों में व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन करना या आकलन करना, स्पीच थेरेपी में संचार और क्षमताओं का इनके विकारों का मूल्यांकन करना। कहेंगे भाई मनोवैज्ञानिक आकलन, कॉग्निटिव टेस्टिंग में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और संज्ञानात्मक क्षमता का मूल्यांकन, व्यवहारिक आकलन यानी कि बिहेवियर असेसमेंट, व्यवहार के पैटर्न और भावात्मक स्थिति का मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल में मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक स्थिति का आकलन ये आपको देखने को मिलता है। कहेंगे औपचारिक आकलन में अवलोकन यानी कि परिवार और देखभालकर्ताओं का अवलोकन, व्यक्ति के दैनिक जीवन में विभिन्न पहलुओं का जो निरीक्षण किया जाएगा। देखिए अवलोकन में क्या किया जाता है, अनौपचारिक में बच्चे का साक्षात्कार ले लिया जाता है, बच्चे के लिए जो भी अवलोकन करके बच्चे को ऑब्जर्वेशन करके पहचान लिया जाता है, बच्चे के लिए कह सकते हैं कि कोई भी प्रश्नावली या सर्वेक्षण का प्रयोग किया जा सकता है, कोई भी देखभालकर्ता क्या करता है इसका आकलन कर सकता है। आकलन की प्रक्रिया क्या होती है, अगर आपसे पूछ दिया जाए आकलन की प्रक्रिया, तो सबसे पहले बच्चे की प्रारंभिक स्क्रीनिंग जिसको हम लोग जाँच बोलते हैं, प्रारंभिक जाँच की जाती है। इसके बाद में इसका व्यापक आकलन या आकलन किया जाता है कि भाई चिकित्सा क्या है, उपचारात्मक मनोवैज्ञानिक आकलन क्या है, सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है इसमें। इसके बाद में व्यक्तिगत केंद्रित योजना बनाई जाती है, पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग बनाई जाती है। इसके आधार पर व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत समर्थन योजनाएं बनाई जाती है। समय समय पर इसका क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और भैया ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। आकलन का महत्व क्या होता है, तो हम कहेंगे सटीक समर्थन बच्चे को मिल पाता है, हम उसकी सटीक जरूरतों के बारे में जान पाते हैं और उपयुक्त सेवाएँ दे पाते हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग, संसाधनों के आकलनों से प्रभावी उपयोग, कुशल उपयोग करके इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। इसका हम लोग कह सकते हैं समग्र विकास, यानी कि आकलन के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास जो होता है वो हम कर सकते हैं। और निरंतर निगरानी यानी कि नियमित आकलन से व्यक्ति की प्रगति और निगरानी जो है वो हम बच्चे की सुधार में ला सकते हैं। उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो ये होगा तो ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और स्वतंत्र रूप से इसको जीने के लिए मदद देगा। ISSIDD यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, तो इसके समर्थन में आपको चार चीज़ें, आपकी लिमिटेड यानी कि सीमितता, अस्थाई और व्यापक और भैया सर्वव्यापी, ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि सीमित समर्थन में कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य होगा समय और विशिष्ट विधियों या गतिविधियों से क्या कर जीवन के क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाने वाला समर्थन, रोजगार जो भी है आपको उसके खोजने के अवसर मिलेंगे। इसमें अल्पकालिक और या विशिष्ट समय तक हो सकता है, केवल कुछ खास स्थितियों या गतिविधियों में इसकी मदद मिल सकती है। अस्थाई समर्थन, इसमें कहेंगे भाई अस्थाई समर्थन का तात्पर्य जब आवश्यकता हो तब प्रदान किया जाने वाला समर्थन, जैसे बच्चे को अगर बीमारी के दौरान कुछ हो, तनावपूर्ण बच्चा हो, जब उसको समर्थन की आवश्यकता हो तभी हम उसको समर्थन दें। समय समय पर इसकी आवश्यकता होगी, नियमित रूप से नहीं इसकी आवश्यकता होगी, नियमित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं होगी। व्यापक समर्थन में कहेंगे, व्यापक समर्थन का तात्पर्य दैनिक गतिविधियों और जीवन के कई क्षेत्रों में निरंतर समर्थन, बराबर समर्थन देना। कहेंगे दैनिक व्यक्तिगत देखभाल, आवासीय सुविधाओं में लगातार समर्थन। इसके बाद में सर्वव्यापी यानी कि 24 घंटे बच्चे के लिए समर्थन देना, जो हर क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में उसके समर्थन को दर्शाए। कहेंगे व्यक्तिगत देखभाल बच्चे की करना सभी के लिए, कह सकते हैं जीवन भर के लिए ऐसे बच्चों के लिए देखभाल करना, स्वतंत्र रूप से ऐसे बच्चे जीवन यापन नहीं कर पाते, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर भैया देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो था समाप्त होता है, और बाकी यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक की सभी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ यहाँ पर चीज़ें छूट गई हों तो वहाँ पर आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और लास्ट पेपर है, अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा, बने रहेंगे आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।